जब आप तारों को छूने की इच्छा रखते हैं, जब आप तारों को छूने की इच्छा रखते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। दोस्तों, आज से मैं एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो कोर्स है आओ बच्चों आविष्कार करें, आओ बच्चों आविष्कार करें, आओ बच्चों साइंटिस्ट बने, आओ बच्चों वैज्ञानिक बने। इंडिया में वैसे भी बच्चों के अंदर साइंस को लेकर रुचि इतनी ज़्यादा नहीं है और ये होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर कंट्री का निर्माण करने के लिए ना, वहाँ पर साइंटिस्ट होने बहुत ज़रूरी है। और उन साइंटिस्टों को रिस्पेक्ट देना, अब बच्चों को शुरू से ही साइंटिफिक नॉलेज के बारे में जागरूक करेंगे तभी तो वो साइंस को लेकर जागरूक होंगे, तभी तो वो साइंस के बारे में बेहतरीन चीज़ें सोचेंगे। सो साइंस आओ बच्चों आविष्कार करें, आओ बच्चों आविष्कारक बने, आओ बच्चों वैज्ञानिक बने। आज से मैं एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे हम अपने आप को, अपने बच्चों को वैज्ञानिक बना सकें, हम कैसे उनके अंदर साइंटिफिक नॉलेज उनके अंदर इंजेक्ट कर सकें। सो बात करते हैं कि साइंस का देखो बेनिफिट क्या है। अगर हम बात करें, आज मुझे एक मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पे, मुझे कोई अपनी इंफॉर्मेशन मैसेज पहुँचाना है और कोई शख्स है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, मैंने उसको तुरंत मैसेज कर दिया, पहुंच गया, उसने देख लिया। लेकिन इमेजिन करो यही बात अगर 100 साल पहले की होती तो 100 साल पहले क्या करना होता हमें, 100-150 साल पहले हम क्या करते, नाव से जाते उस चिट्ठी को लिखकर, और पूरी चिट्ठी जाती और अमेरिका में तो पता नहीं कितना दिन लग जाता, महीने लग जाते हैं उस मैसेज को पहुँचने में। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, साइंस ने कितना तगड़ा रिवॉल्यूशन ला दिया, कितना ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन ला लिया, कितना टाइम बचाया, पैसा बचाया, एनर्जी बचाई, ठीक है, मेंटल फैटीग बचाया, इतनी सारी की सारी चीज़ें साइंस ने एक झटके में सॉल्व कर दी। अब कहने को तो आप कह दोगे कि यार ये तो ये क्या हो गया, एकदम से इतनी जल्दी मैसेज पहुंच गया, ये कैसे हो सकता है, ये तो जादू है, अगर उस 100-150 साल पहले अगर बात की जाती। लेकिन नहीं, ये एक साइंस है। पहले एक और एक जो आम तौर पर हम जो छोटा मोटा एग्जांपल लेते हैं, पहले बैटरी रिक्शा, पहले वो रिक्शे चले करते थे, पुलिंग रिक्शा जो खींचते थे, वो रिक्शा लोग चलाते थे। तो उस रिक्शे में क्या होता था, देखो मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती थी, ठीक है, पैसे भी कम मिलते थे लोगों को उस रिक्शे में, और टाइम जल्दी वो रिक्शा नहीं पहुँचा पाता था लोगों को। लेकिन अगर हम बात करें, उस रिक्शे को आज रिप्लेस कर दिया बैटरी रिक्शा ने। सो बैटरी रिक्शा कितनी अच्छी तरह चलता है, मेहनत बिल्कुल नहीं लगती, कितने ज़बरदस्त तरीके चलता है, पैसे भी बढ़िया बनते हैं, कड़क माल आता है। तो साइंस के ये कमाल है, ये साइंस के कुछ जादू ही परिणाम है। सो आज से जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो आप, वैसे तो देखो एक कोर्स ऐसा कुछ नहीं कि बच्चों के लिए ही है, बड़े भी देख सकते हैं, जिन लोगों को साइंस में रुचि है, जिन लोगों को साइंस में इंटरेस्ट है, और जो साइंस को एक एज अ नॉलेज और साइंस को इंटरेस्ट के तौर पर देखते हैं। सो ये वीडियो आप सभी बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल स्टार्ट होने जा रहा है और आज तो मेरा ये इन्फॉर्मेशन देने का काम है, कल से इस पर पूरा काम होना स्टार्ट हो जाएगा। हर एक बच्चे के अंदर इंडिया में साइंस को लेकर, साइंटिफिक नॉलेज को लेकर उसके अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं है, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये काम करें। तो इस वीडियो को हर एक पर्सन को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके अंदर साइंटिफिक नॉलेज डेवलप हो सके और वो साइंस को लेकर उनमें इंटरेस्ट आए, क्योंकि साइंस को लेकर इंटरेस्ट आएगा तो ही एक बेहतर कंट्री बन पाएगी। थैंक यू वेरी मच।